हेलो एवरीवन, आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये टाटा B6 की गाड़ी है और आप लोग देख सकते हैं इसमें विजिटर वर्कशॉप लिख के आ रहा है, डोजिंग फॉल्ट लिख के आ रहा है और SER सिस्टम फॉल्ट लिख के आ रहा है, यानी हमारी क्लस्टर मीटर में ये सब सिग्नल दे रहा है। तो चलिए एक बार फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो देख सकते हैं 97 फॉल्ट कोड एक्टिव है, FMI 15, और 58 40 है, 33 61 है और 35 97 है और 58 42 है। तो यही सब फॉल्ट कोड एक्टिव है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम अपना मिनी कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कि कौन सा फॉल्ट कितने बार काउंट हुआ है। तो चलिए हम अपना मिनी कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मिनी कनेक्ट हो गया है और इसके प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद से फिर जो इंजन का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए गाड़ी कैलिब्रेशन करने के लिए बोल रही है, तो अभी बाद में कैलिब्रेशन कर लेंगे। चलिए सबसे पहले फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं। तो फॉल्ट कोड में जाएंगे, तो देखिए 11 17 फॉल्ट कोड शो हो रहा है जो 35 97 था और 44 89 फॉल्ट कोड है जो हमारा 58 42 है और 44 87 है जो हमारा 58 40 है। चलिए जो हमारा 11 17 फॉल्ट कोड है उस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि उसमें क्या लिख के आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज टू द ECM फेल बिलो ए कैलिब्रेटेड लिमिट मोमेंट रिली लिख के आ रहा है। तो जो इसका कैलिब्रेशन का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए ये सब फॉल्ट कोड एक्टिव हो गया है। तो एक बार हम इस गाड़ी का कैलिब्रेशन करेंगे और कैलिब्रेशन करके देखेंगे कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड जो है क्लियर हो जाता है और कौन कौन सा फॉल्ट कोड बचता है। तो इसमें एक और फॉल्ट कोड एक्टिव है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 418 जो हमारा 97 फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो चलिए हम आप लोग को वहाँ पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या इशू है। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका कनेक्टर लगा हुआ है और मैंने इसका वायरिंग चेक किया था, इसका वायरिंग ओके है, तो इसका जो सेंसर है वो ख़राब है। तो अगर आप लोगों को भी इसका वायरिंग चेक करना हो तो आप लोग हमारे चैनल में जाके और 97 फॉल्ट कोड के ऊपर मैंने फुल वीडियो बना के रखा है, हमारे चैनल में अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि इसका जो वायरिंग है वो किस प्रकार है और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना के रखा है, अपलोड है हमारे चैनल में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो हमारा जो दूसरा फॉल्ट कोड है दोस्तों 3361 उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो 3361 फॉल्ट कोड है दोस्तों हमारा डोजर यूनिट का है, तो हमारा वायरिंग का इशू नहीं है। फिर भी मैं आप लोग को सर्टिफाइड करने के लिए इसका वायरिंग चेक करके दिखा देता हूँ कि उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है और जो वोल्टेज आ रहा है वो बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम कनेक्टर को निकाल लेते हैं, ये 4 पिन का कनेक्टर होता है। तो चलिए मैं कनेक्टर को निकाल देता हूँ। अगर आप लोग को डोजर यूनिट से रिलेटेड वीडियो चाहिए और इसके वायरिंग के बारे में तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, हमारे चैनल में अपलोड है, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ये 4 पिन का कनेक्टर होता है और चलिए हम इसमें वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को, जिसमें एक 24 वोल्ट सप्लाई रहता है, एक ग्राउंड रहता है और 2 वायरों में 5 वोल्ट सप्लाई होता है। तो जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो जो हमारा 24 वोल्ट सप्लाई है कुछ टाइम के लिए रहता है और बाद में 8.7 में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी जो 2 वायर है उसमें 5 वोल्ट सप्लाई शो करता है। तो आप लोग देख सकते हैं 4.4 वोल्ट शो हो रहा है, एक ग्राउंड में लगाया और एक 5 वोल्ट सप्लाई वाले पिन में लगाया है। और दूसरी पिन में लगा के दिखा देते, तो देखिए इसमें 4.89 शो हो रहा है। तो हमारा जो वायरिंग है ओके है, वायरिंग का इशू नहीं है। फिर भी मैंने आप लोगों को सर्टिफाइड करने के लिए चेक करके दिखा दिया। जिस वायर में हमारा 24 वोल्ट सप्लाई आता है दोस्तों और उसमें 8.76 शो हो रहा था, तो उसमें कंटिन्यू 24 वोल्ट सप्लाई इसलिए शो नहीं होता है दोस्तों क्योंकि जो हमारा डोजर मोटर है, पंप है जो, वो कंटिन्यू नहीं चलता है। जब हमारा नोक्स लेवल बढ़ता है उस नोक्स लेवल को कम करने के लिए जो है मोटर चलता है, और जो हमारा मिक्सर होता है उसमें हमारा डोजिंग वाल लगा होता है और उसकी माध्यम से जो है यूरिया स्प्रे होता है जिससे कि जो हमारा नोक्स लेवल हो कम हो सके।
तो चलिए हम कनेक्टर को लगा के फिर जो है कैलिब्रेशन करके देखते हैं कि जो भी हमारे फॉल्ट कोड शो हो रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कनेक्टर को लगा दिया है और चलिए अपना मिनी कनेक्ट करते हैं और फिर जो कैलिब्रेशन करके देखते हैं कि जो हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी फॉल्ट कोड शो हो रहा है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फॉल्ट कोड इस कैलिब्रेशन से रिलेटेड होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और जिसका सेंसर ख़राब होगा या वायरिंग का इशू होगा वो क्लियर नहीं होंगे। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारे कैलिब्रेशन का प्रोसेस है वो जारी है, क्योंकि जो हमारा कैलिब्रेशन है वो चार स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हमारा दूसरा स्टेप चालू है, 1% हुआ है और जब ये 100% हो जाएगा तो फिर जो हमारा तीसरा स्टेप है वो चालू होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा स्टेप वो चालू है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग को जानकारी भी मिल जाए। तो देख सकते हैं हमारा जो 4 स्टेप वो चालू है और जैसे ये कंप्लीट होगा फिर की ऑफ कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे और ये 30 सेकंड का टाइम मांगता है, फिर और की ऑन कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जो हमारा कैलिब्रेशन वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए एक बार फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड क्लियर हुआ है, कौन कौन सा फॉल्ट कोड बचा है। तो देख सकते हैं केवल हमारा 418 फॉल्ट कोड बचा हुआ है जो वाटर एंड फ्यूल का, जिसका सेंसर ख़राब है, बाकी जो भी हमारे फॉल्ट कोड है वो क्लियर हो चुके हैं। तो जो भी प्रॉब्लम था हमारा कैलिब्रेशन से रिलेटेड था और हमारे डिस्प्ले में भी जो हमारा क्लस्टर मीटर उसमें देखिए 6 ml का सिग्नल नहीं जल रहा है और जो भी डोजिंग फॉल्ट और डेफेसिया सिस्टम फॉल्ट विजिट वर्कशॉप लीक किया रहा था वो सब हट चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।